और ये हमारे ऑटो वाले भैया तमिल 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 फुटप्रिंट ऑफ इंडियन गॉड इन 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 डेल्फ इन डेल्फ ऑल तमिल तमिल इन जाफना ऑल्सो जाफना तमिल सेम वही बता रहे हैं कि पूरे डेल्फ में सब तमिल लोग हैं और जाफना में भी सब तमिल। ओके तो जी वेरी गुड मॉर्निंग है आप सबको और अभी सुबह का टाइम है। आजकल वीडियोस काफ़ी जल्दी सुबह सुबह शुरू कर रहा हूं मैं क्योंकि कुछ स्पेशल जगह पे आपको लेके जा रहा हूं, कुछ स्पेशल जगह खुद भी देख रहा हूं, आपको भी दिखा रहा हूं और उन स्पेशल जगह पे पहुंचने के लिए टाइम थोड़ी पाबंदी होती है, टाइम के साथ साथ पहुँचना पड़ता है। ऐसी एक बहुत ही खास स्पेशल जगह पर आज मैं जाने वाला हूँ जिसका नाम है डेल्फ आइलैंड। इस आइलैंड के बारे में बात हम आगे करेंगे लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि ये स्पेशल क्यों है। पहली बात तो ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब सिर्फ एक ही बोट जाती है, वो भी आर्मी की नेवी की बोट जाती है, श्रीलंकन नेवी की बोट जो आपको लेके जा सकती है इस डेल्फ आइलैंड तक, जिसमें भी बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं, जिसमें सिर्फ 100 लोग जा सकते हैं। तो आज उसी आइलैंड पे मैं जाने वाला हूँ। साथ ही बताया जाता है कि इस आइलैंड की दूरी जितनी श्रीलंका से है उतनी ही दूरी इसकी इंडिया से भी है, तो इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल मिड वे में लोकेटेड ये आइलैंड है जिसका नाम है डेल्फ आइलैंड। तो अभी मैं पहुंचा हूं उस डेल्फ आइलैंड तक जाने के लिए मिडवे में पहुंचा हूं। एक्चुअली जाफना से ये लेनी पड़ती है बस नंबर 776, ये पीछे बस खड़ी है जिसमें मैं आया, तो ये 776 बस नंबर आपको लेके आती है जाफना से लेके इस जगह पे जिसका नाम है कोड़िकुडम। अगर मैं स्पेलिंग गलत बोल रहा हूँ तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा क्योंकि नाम थोड़े लंबे होते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं इनको याद रखना। तो इस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, एक घंटा ये बस लेती है और इस बस का टाइमिंग फिक्स होती है, मतलब ये 6:30 बजे चलती है जाफना से और 7:30 बजे आके पहुंचती है यहाँ पे। ये बस तो फिर भी आती रहती है एक घंटे बाद, लेकिन जो ये फेरी यहाँ से जाती है वो जाती है सिर्फ 8 बजे, सुबह के 8 बजे। तो ये बस परफेक्टली सूट करती है कि 6:30 बजे आप जाफना से स्टार्ट करो और 7:30 बजे आप पहुँचो यहाँ पे इस फेरी पे, और यहाँ से फिर एक घंटा आपको और लगेगा उस बोट में, उस नेवी की बोट में जिससे हम पहुँचेंगे डेल्फ आइलैंड में। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो हेलो वेलकम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी के लिए ये पीछे जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये है जाफना लगून का। लगून जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि लगून होता है जब समुद्र से कुछ पानी कुछ एक केनाल के रास्ते आगे इकट्ठा हो जाता है कुछ आसपास के एरियाज़ में, उनको लगून बोलते हैं। तो ये जाफना लगून का बहुत ही बड़ा एरिया है और यहाँ पे इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अभी ऐसे ही कुछ आइलैंड्स को, 3-4 आइलैंड्स को क्रॉस करते हुए मैं पहुँचा हूँ इस फेरी टर्मिनल से। अभी फेरी का टाइम होने ही वाला है और अभी मैं आर्मी जब एंटर करने लगा तो नेवी के कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि अगर आपने वहाँ जाना है डेल्फ आइलैंड जाना है तो एक अलग वेटिंग एरिया बना हुआ है वहाँ पे वेट करो। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ वेट करने। वहाँ पे कुछ एक और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फॉरेनर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं इस फेरी का। तो और बाकी यहाँ से एक कोई रिलीजियस स्पॉट है बुद्धिज़्म का और हिंदुइज़्म का, विहारा है कुछ, मैं पूरा नाम नीचे मेंशन कर दूंगा, वहाँ के लिए भी बोट जाती हैं। तो जो मोस्टली लोकल जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ उस आइलैंड पे जा रहे हैं, और तो कुछ एक फॉरेनर्स हैं मेरे जैसे और 8-10 लोग और हैं जो मेरे हॉस्टल से ही आए हुए हैं, वो लोग अभी वेट कर रहे हैं इस बोट का। तो 8 बजे बोट स्टार्ट होनी है, चलते हैं, बोट राइड भी दिखाता हूँ और आपको ये प्यारा सा आइलैंड भी दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ है इस बोट में लेकिन सवारी सवार हो गई है। नीचे सिटिंग का भी काफ़ी इसमें जगह बनी हुई है लेकिन भाई तो ऊपर आके बैठ गया है ऐसी जगह पे, बिल्कुल जो टॉप डेक होता है उसके पास, ताकि नज़ारे भी ले सके। अंदर काफ़ी भीड़ भी थी और माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी वाला था तो इसलिए यहाँ बैठना सही समझा। लेकिन पहले इन्होंने हमारे को रोक लिया था, पहले जब हम एंटर कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि पहले लोकल लोग एंटर करेंगे जो सरकारी जॉब्स में है, उसके बाद अगर जगह बचती है तब फॉरेनर्स को अलाउ किया जाएगा। लेकिन लकीली इन्होंने अलाउ कर दिया, अब अराउंड 10-12 फॉरेनर्स होंगे और बाकी सब लोकल हैं। तो गाइस यहाँ पे है वो फेरी टर्मिनल और अगर आप वो आइलैंड देख पा रहे हो तो वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, इसका नाम है नागदीपा पुराना विहार, तो वो वहाँ सामने है। तो वहाँ के लिए बोट्स जाती रहती हैं, देखो जैसे अभी ये छोटी सी बोट आ रही है, ये वहीं से लोगों को लेके आ रही है, पिलग्रिम्स को लेके आ रही है। लेकिन जिस आइलैंड पे मैं जा रहा हूँ उस पे खाली एक यही बोट जाती है, इसमें मैं बैठा हुआ हूँ और ये नेवी की बोट। एक ही सेफ्टी जैकेट और पकड़ा दी भाई साहब ने और बोट चल दी।
और फाइनली ये सफ़र कंप्लीट किया और पहुंचा मैं डेल्फ आइलैंड में। इस बोट में कोई किराया नहीं लगता है क्योंकि ये नेवी की बोट है। बाकी बाहर निकल के डेल्फ में कुछ ऐसा इलाका, अब यहाँ से मुझे भी एक टुक टुक देखना है और टुक टुक ही यहाँ पे सारा घुमा सकता है। लोकल यहाँ पे जितने घूमने की जगह हैं वो सब टुक टुक में घूमनी पड़ती हैं। तो देखता हूँ अभी कोई टुक टुक ढूंढता हूँ और उससे पूरा डेल्फ दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी तक जो सफ़र हम कर रहे थे बोट से, नेवी की बोट से, अब आगे का सफ़र इस टुक टुक से होने वाला है। वहाँ से जब फेरी टर्मिनल पे पहुँचते हैं हम डेल्फ आइलैंड के, तो वहाँ मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा था कि यहाँ पे आपको टुक टुक ही हायर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। तो नॉर्मली इन टुक टुक वालों का एक पैकेज बना हुआ होता है कि आपको 10 पॉइंट दिखाएंगे, इतने पॉइंट दिखाएंगे और उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है। तो इसने चार्ज लिया है 3000 श्रीलंकन रुपीज़ का। लेकिन मेरे को दो लोग और मिल गए थे जो मेरे हॉस्टल में ही मेरे वाली डॉर्मेट्री में रुके हुए थे, तो हम लोगों ने शेयर कर लिया, तो हमारे को 1000 रुपीज़ पड़ेगा। उसके बाद ये 10 पॉइंट दिखाएंगे 5, और उसके बाद जो सेम टाइम है मतलब जो फेरी का 3 बजे फेरी वापस जाती है, वही फेरी लेके हमें एक ही फेरी वापस जाती है वही नेवी की, तो उसी से वापस जाना है। तो ये पूरा घुमा फिरा के उसी टाइम पे फेरी के टाइम पे हमारे को वहाँ पे फेरी टर्मिनल पे जाके छोड़ देगा। तो ये तो कुछ इस टाइप का तरीका जिससे घूमना पड़ता है। तो अभी ये हमारे को लेके आया एक पहला पॉइंट है, इसको बोलते हैं बूबा ट्री। तो ये कुछ बहुत पुराने टाइम का ट्री है, पेड़ है एक, ये भी एक घूमने की जगह बन चुकी है यहाँ पे। तो बताते हैं कि ये अफ्रीकन ट्री है और कभी कोई जब पोर्टुगीज़ का यहाँ पे राज था तब कोई अरब ने, किसी अरबिक लोग बंदे ने आके ये ट्री लगाया था। और काफ़ी बड़ा करीबन 7-8 इंच का ये फूल देता है और एक काफ़ी अच्छा फ्रूट भी देता है। तो अभी बस ये पहुँचे हैं यहाँ पे, ये पहला ही पॉइंट है हमारा जो हम घूमने आए हैं। यहाँ कुछ इसके बारे में कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है, तो पढ़ना चाहो तो भाई पढ़ सकते हो। बाकी इसके अंदर का माहौल देखते हैं ज़रा कुछ के, इस टाइप का ये पेड़। बाबा पेड़ के अंदर, इसके अंदर तो एक काफ़ी सही गुफा सी बन रखी है भाई इसके अंदर। तो ये देखो अंदर से पूरा खोखला है। बहुत सही, ये लोग जो ये प्रेमी पंछी होते हैं ना ये ऐसे नाम लिख देते हैं, और इसने तो SR लिखा हुआ है, SR मतलब सोल रोवर। एक ही नाम देगा और वो लिखा SR। तो गाइस अगर बात करें हम इस आइलैंड की, तो जो इसका नाम है डेल्फ आइलैंड, ये एक डच नेम है। असल में जो इसका नाम है वो है नेदन थीवू, जो कि एक तमिलियन नेम है, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन जो यहाँ पे है वो सब तमिलियन लोगों की है, मोस्टली तमिल लोग रहते हैं यहाँ पे। और इस आइलैंड की बात करें तो ये लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर लंबा आइलैंड है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, कुछ 1000 लोग ही रहते हैं। और यहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इस आइलैंड में रहती है, और वो पॉपुलेशन अपने घर के आसपास पपाया और बनाना की खेती करना बहुत पसंद करती है। इस आइलैंड के वेस्टर्न पार्ट में कुछ रिमेन्स हैं, चोला डायनेस्टी के टाइम पे एक टेंपल बनाया गया था जो काफ़ी 1000 साल पुराना है, उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं तो वो हम देखेंगे। और साथ में यहाँ पे एक डच फोर्ट भी है, जो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम पे पोर्टुगीज़ का राज रहा, उसके बाद डच लोग आए और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो एक डच फोर्ट भी है यहाँ पे, कोशिश करेंगे वो भी दिखाने की आपको। और अभी एक जगह पे पहुँचे जिसका बताया जा रहा है, जो ऑटो वाले भैया हैं, जो टुक टुक वाले भैया हैं, उन्होंने बताया कि फायर प्लेस होता था ये ओल्डेस्ट टाइम में। लेकिन अगर हम इसको देखें तो समझ नहीं आ रहा मुझे, यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे से आग लगाई जाती होगी, और यहाँ से ऊपर ये देखो पूरा धुआं निकलने के लिए पूरी जगह बनाई गई है। तो सही है भाई, फायर प्लेस है एक, पहले दूर से देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लाइट हाउस हो, नहीं लेकिन फायर प्लेस है। आई थिंक कुछ सिग्नल देने के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा, ताकि यहाँ पे आग लगा देते होंगे तभी ऊपर से धुआं निकलता है, तो किसी और जगह पे अगर सिग्नल देना है तो उसके लिए होता होगा। अपना गणित लगा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी देखते हैं। सो
साल 2008 में जब यहाँ पे श्रीलंका में श्रीलंकन सिविल वॉर चल रहा था LTTE और श्रीलंकन आर्मी के बीच में, उस टाइम पे एक यहाँ पे वॉर भी हुई थी, नेवल वॉर होती है जिसमें मतलब जो शिप्स वगैरह के बीच में और फ्रिगेट्स वगैरह के बीच में उनकी एक वॉर भी हुई थी, वो भी इसी आइलैंड के बिल्कुल बिल्कुल नेवल जो वाटर का एरिया है वहाँ पे भी हुई थी। तो इसी कारण है कि अभी भी पूरा जो ये एरिया है ये सारा नेवी से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो इंडिया है और फिर थोड़ा सा लफड़ा चलता ही रहता है तमिलियंस का इस एरिया में, या फिर जो भी इनकी पॉलिटिकल इशू है उस बारे में बात नहीं करूंगा। तो उसी वजह से इस पूरे आइलैंड का कंट्रोल सिर्फ नेवी के पास है। तो एंट्री करने में भी अब मेरा पासपोर्ट चेक किया था और उसके बाद एग्जिट करते हुए फिर पासपोर्ट चेक होता है, और जो बोर्ड से भी हम आ जा रहे हैं वो भी आर्मी की ही है। कुछ बहुत ही पुराने बनियन ट्री हैं और काफ़ी सारे लगे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो पूरे एरिया में सारे बनियन ट्री हैं। इनको ये भी एक पॉइंट है, उन 10 पॉइंट में से ये भी पॉइंट है, काफ़ी पुराने बनियन ट्री। तो अभी ये देखने आए हैं, देखो काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अच्छा नज़ारा है। कुछ और भी टुक टुक पहुँच गए हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे अभी 3-4 टुक टुक घूम रहे हैं जिनमें हम 10-12 लोग जो हम सब एक साथ ही आए थे, सब एक ही सारे एक सब एक ही हॉस्टल में रुके हुए थे, तो अब सबका ट्रिप एक साथ ही हो रहा है लेकिन अलग अलग टुक टुक में। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पे राज किया पोर्टुगीज़ ने, डच ने, ब्रिटिशर्स ने, तो अभी हमारे को हमारे ऑटो वाले भैया एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहाँ पे उनके कुछ रूइंस के कुछ बचे हुए हैं, अवशेष बचे हुए हैं, रूइंस अवशेष ही होते हैं आई थिंक। तो ये पीछे की तरफ जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसका अगर मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि ये यहाँ की कोर्ट होती थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ जो पार्ट मिले थे वो एडवोकेट्स के और जजेस के, और यहाँ पे एक एम्बलम भी बना हुआ था 1905 का, वो भी ब्रिटिश एम्बलम था। तो ये कोर्ट थी, और पीछे यहाँ पे एक ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक पिजन्स नेस्ट था, यहाँ पे जो कबूतर रखते थे, कबूतर खाना जिसको बोलते हैं हम पर्शियन में, मेरे दिमाग से अभी भी पर्शियन जा नहीं रही है, तो कबूतर खाना था यहाँ पे, क्योंकि ये लोग जब ऐसे सिग्नल भेजने होते थे किसी और देश में या फिर किसी और पार्ट में तो इन कबूतरों के ज़रिए सिग्नल भेजा करते थे। इससे मुझे वो सलमान खान की मूवी याद आ गई, कबूतर जा 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 वाली। और यहाँ पे कुछ और भी बचे हुए हैं, कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे जिनमें आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन वैसे ये बात करें डेल्फ की तो भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है। मेरे को अभी तक लग रहा है कि मेरा श्रीलंका में सबसे बेस्ट जगह मेरे को डेल्फ आइलैंड ही लगी है, आई डोंट नो क्यों। वैसे ये चीज़ होती है कि जो चीज़ अनएक्सप्लोर्ड हो, जिस टाइप की चीज़ हमने पहले देखी ना हो, तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है। ये आई डोंट नो, मुझे ही ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हो और जहाँ पे ज़्यादा हमारे को लोकल लाइफ देखने को मिले। वो यहाँ पे लोकल लोग देखने को मिल रहे हैं, टूरिस्ट के नाम पे सिर्फ हम 8-10 लोग ही हैं जो अभी आए हैं, वो भी शाम को चले जाएंगे, और डेली ऐसे कुछ ना कुछ लोग आते होंगे। तो जब नॉन टूरिस्टिक चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाती हैं। तो अभी फाइनली यहाँ से भी निकलते हैं, और आई थिंक 4-5 पॉइंट और बचे होंगे, वो भी दिखाता हूँ आपको। आई होप मज़ा आ रहा होगा अभी तक इस वीडियो में, आगे भी आता रहेगा। तो ये है डच फोर्ट के जो रिमेन्स बचे हुए हैं। एक्चुअली ये बनाया गया था पोर्टुगीज़ के द्वारा और एज अ डंजन यूज़ करने के लिए। डंजन होता है जो कासल होती है, जो एक किला होता है उसके बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है, उस तरीके से बनाया गया था। लेकिन जब बाद में डच लोग आए उन्होंने इसको एक फोर्ट का रूप दे दिया और इसको कहा जाने लगा डच फोर्ट। तो आज के ज़माने में इसके हालात काफ़ी खस्ता हो चुके हैं, जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो। ये चीज़ मैंने देखी है, श्रीलंका की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है कि मतलब टूरिज्म को बढ़ाया जाए, इन चीज़ों को दिखा के। वो तो उनको आई डोंट नो, वैसे ही टूरिज्म से रेवेन्यू इतना आ रहा है, आजकल काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इन जैसी चीज़ों पे जो पुरानी चीज़ें हैं इन पर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये पत्थर वगैरह देख के जो ये सब ये लाइमस्टोन के जो पत्थर होते हैं उनसे बनाया गया है। और मैंने शायद कहीं पे पढ़ा भी था, अभी नहीं मैंने पहले पढ़ा था, कि जो यहाँ की कोरल होती थी जो समुद्र से जो निकलती थी चीज़ें, उनसे और लाइमस्टोन से मिलके इसको बनाया गया था, इस वाले फोर्ट को बनाया गया था। फुटप्रिंट ऑफ हनुमान ओके
फुटप्रिंट ऑफ अ इंडियन गॉड हनुमान. तो यहाँ भाई साहब ने दिखाया जो हनुमान जी थे जब लंका में आए थे और सीता को, सीता मैया को वो अंगूठी देने और उनको बचाने के लिए, तो उस टाइम पे बताते हैं कि एक कदम उन्होंने यहाँ भी रखा था इस डेल्फ आइलैंड पे, तभी जो उन्होंने अभी आपको निशान दिखाया मैंने जो फुटप्रिंट थे हनुमान के वो यहाँ पे भी हैं. इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, एकदम से मुझे शौक लगा. वो भैया आगे आगे चल रहे थे, एकदम से बोलते हैं ये देखो ये हनुमान का फुटप्रिंट. मैंने कहा यार ये भी है क्या, इस बात का नहीं पता था. स्टेबल बोलते हैं जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, तो ये जो पीछे पूरा एरिया है ये हो गया, और इसके पीछे ये आपको चार पांच जो चार दीवारी दिख रही हैं ये स्टेबल थे जो घोड़ों को रखने के लिए, अस्तबल जिनको हम बोलते हैं, अस्तबल हिंदी में बोलते हैं इसको हम, तो अस्तबल थे जो डच लोगों ने बनाए थे, क्योंकि ये फॉरेन से घोड़े लेके आते थे और उनको और भी कोई एनिमल्स होते थे उनको लेके आते थे, उनको यहाँ पे ला के रखा करते थे. और उसके बाद कभी ट्रैवल करने के लिए, उस टाइम गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो उन्हें उस टाइम ट्रैवल करने के लिए इन्हीं घोड़ों का यूज़ किया करते थे. और यही घोड़े कुछ वो छोड़ गए थे यहाँ पे, और जो अब कुछ जनरेशन बाद वो अब यहाँ पे खच्चर बन चुके हैं. इनको यहाँ पे बोलते हैं फेरल पोनीज, तो फेरल मतलब जंगली और पोनीज मतलब खच्चर. तो अब कभी फेरल पोनीज भी देखे जाते हैं यहाँ पे, और उसी को देखने के लिए काफ़ी लोग इस डेल्फ आइलैंड में भी आते हैं. और ये वो जगह थी जहाँ पे उनको रखा जाता था. अब यहाँ से हम लास्ट पॉइंट जाने वाले हैं जो है यहाँ का बीच, और फिर रुक करेंगे वापसी की तरफ जाफना. ओ भाई, तो उसके बाद इतनी सारी जगह घूमने के बाद, मतलब एक बार तो आके मैं थक गया था, क्योंकि यहाँ की रोड्स भी कुछ बेकार ही हैं, मतलब बहुत रोड है ही नहीं, ऐसा लगता है गड्ढों के अंदर रोड बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई टूरिस्ट आता जाता है नहीं, लोकल पॉपुलेशन है नहीं. तो इस वजह से जितने ही पॉइंट्स हमने घूमे, 8-9-10 पॉइंट मुझे तो याद भी नहीं है अब कितने घूमे, तो सब में मतलब थकान सी होगी. टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, अभी टाइम हुआ है 1 बजे का, और जो हमारा टुकटुक वाले भैया थे हमें यहाँ पे उतार के और चले गए हैं, बोले हम थोड़ी देर में आऊँगा और आपको यहाँ से ले जाऊँगा, फिर लंच करवा देंगे कहीं पर और उसके बाद फाइनली बोट में छोड़ देंगे. और अभी ये मेरे पीछे है, ये है डेल्फ का जो बीच है, तो ये पॉइंट हमेशा ये लास्ट में रखते हैं ताकि बंदे यहाँ पे आके चिल कर सकें. तो मैं भी आ गया हूँ इधर, बाकी 2-3 टुकटुक और भी आ गए हैं, जितने भी सब फॉरनर्स यहाँ पे थे, तो कई लोग बात ले रहे हैं यहाँ पे, अपना मस्ती मार रहे हैं, कुछ लोकल्स भी हैं. तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे और थोड़ा समुद्र में वॉक करता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा फीलिंग, और उसके बाद जाके लंच करते हैं, और लंच करने के बाद वापस रुक करेंगे जाफना की तरफ. सो फाइनली हम वापस आए अपना ट्रिप पूरा करके, और उसके बाद फेरी पॉइंट पे ही आगे हमने लंच किया. लंच के लिए यहाँ पे पहले ही बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह पूरे इसमें जगह में है नहीं, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है वो भी फेरी टर्मिनल पे ही है. तो जाते हुए हमने उनको बोल दिया था कि भाई हमारे को फ्राइड राइस खाने हैं, उन्होंने बना के रखे हुए थे, 300 यहाँ के रुपये का खर्चा आया. और उसके बाद वापस हम पहुँचे हैं इस फेरी टर्मिनल पे. अभी ये फेरी यहीं पे खड़ी हुई है, दोबारा इसी फेरी से आए थे और शायद यही फेरी वापस जाएगी, लेकिन टाइम है 3 बजे का. वापस इन्होंने पासपोर्ट चेक किया और बस अब ये 3 बजते हैं तो लोग आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ये फेरी भी वापस हमें लेके जाएगी उस फेरी टर्मिनल तक, जहाँ से फिर मुझे बस लेनी पड़ेगी जाफना जाने के लिए. बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. आई डोंट थिंक सो, डेल्फ आइलैंड किसी और ने आपको दिखाया होगा. बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि लगा कैसा. बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा.